नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा घिरोर के गांव नाहली में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को आजादी के बाद से देश में चली मुद्राओं का ज्ञान कराया गया। प्रदर्शनी को देखकर विद्यालय के बच्चे काफी उत्साहित एवं अचंभित दिखाई दिए। देखिए हमारे संवाददाता शिव ओमकार मिश्रा की ये रिपोर्ट। सरकार का शिक्षा जगत का सपना साकार करने वाले विद्यालय जो बीते 7 जनवरी को परिषदीय विद्यालयों की उत्तर प्रदेश में टॉप 10 की सूची में चुना गया। आज प्राथमिक विद्यालय नाहली में प्रथम में शनिवार की गतिविधि के अंतर्गत बच्चों के लिए मुद्रा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विदेशी मुद्रा के सिक्के, ब्रिटिश कालीन भारतीय मुद्रा के सिक्के, चलन से बाहर हो चुके भारतीय मुद्रा के सिक्के व नोट व वर्तमान में चल रही मुद्रा का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी प्राथमिक विद्यालय नायली प्रथम, प्राथमिक विद्यालय नायली द्वितीय, उच्च प्राथमिक विद्यालय नायली के बच्चों ने देखा व मुद्रा का ज्ञान किया। बच्चे काफी उत्साहित दिखाई दिए। इस प्रदर्शनी को देखकर बच्चे अचंभित हुए। उन्होंने प्रधानाध्यापक महेंद्र प्रताप सिंह ने इनकी जानकारी दी। बच्चों ने इन सिक्कों व नोट को लेकर कई प्रश्नोत्तर किए, जिसमें बच्चों में ज्ञान की वृद्धि हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है स्कूल में? आज नवाचार को देखते हुए हमने बच्चों के लिए विदेशी मुद्रा, जितने हमारे पास कॉइन्स थे जो हमने बचपन से इकट्ठे किए थे विदेशी मुद्रा के, और जो चलन से बाहर हो चुके हैं हमारे देश की मुद्रा के, ब्रिटिश कालीन मुद्रा जो थी और वर्तमान में जो चल रही है, उससे क्या था कि बच्चों को हम ज्ञान करा सकते हैं। जैसे एक पैसा है तो एक पैसा को हम बच्चे को बता सकते हैं कि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे में हम उसे दिखा सकते हैं 100 पैसे कैसे होते हैं। एक पैसा हम उसे दिखा के बताते कि इस तरह के 100 सिक्के बनकर 1 रुपया बनेगा हमारा, और विदेशी सिक्कों का चलन या जो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं हमारे चलन में नहीं है, ब्रिटिश कालीन में जो हमारे देश में चलती थी मुद्रा वो वाली हमने दिखाई बच्चों को, और कुछ विदेशी सिक्के जैसे हमारा ये अमेरिका का सिक्का है, सिंगापुर का है, इराक का है, रशिया का है, नेपाल के है और म्यांमार का है, ये सिक्के कुछ हमारे पास थे, कुछ नोट्स थे, तो उनको हमने बच्चों को दिखाया कि विदेशी मुद्रा हमारी मुद्रा से भिन्न होती है।